दिलजीत दोसांझ ते नीरू बाजवा दी आने वाली फिल्म द नायक जट एंड जूलियट 3 जो कि 27 जून नू आ जानी है। रीसेंटली उसका मुंबई के विच ट्रेलर लॉन्च किया गया। जब ट्रेलर लॉन्च के उत्ते दोहे पहुंचे ना सब दियां नजरां दोहां ते टिकियां होईयां सी ते हर कोई देखना चाहुंदा सी कि आखिरकार अज ये की कहणगे। दोहां ने एक दूसरे के प्रति अपनी रिस्पैक्ट जाहिर की, दोहां ने फिल्म नाल जुड़ियां कई कहानियां सुनाईयां ते नाल दी नाल उस समा भी दिलजीत ने याद किया जब जट एंड जूलियट 1 बन रही सी। जी हाँ, उस वेले किस तरह उन्हां नू ब्लैंक चैक ऑफर किया गया सी ते नाल दी नाल किवें फिल्म बना हुए 3 बार पैसे मुक गए सी। बिल्कुल ये सारिया चीज़ा हुई सी जट एंड जूलियट 1 दे टाइम ते। हुण फिल्म 12 साल बाद कहने तीजा भाग लैके आ रहे हैं। दिलजीत ते नीरू दी जोड़ी फिर तो एक बार देखने वाली है ते डंगर ते डूमणा की कुछ करनगे वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ट्रेलर लॉन्च से की कुछ किया आओ दिखाने। 12 साल झूठ है, मैं असली स्टोरी दसदा। हां जी सॉरी, सो प्लीज शायद मैं कुछ मिस कर गया भाई जी। मैं असली स्टोरी दसदा, सॉरी मैं ज़्यादा बोलता नहीं, पर मैं चलो मैंने स्टोरी याद आ गई। जट एंड जूलियट 1 जदों बनी सी उदों दर्शन भाजी जिहड़े इत्थे नहीं इस वक्त उन्होंने मैनू बुलाया सी एक फिल्म करनी है ते मेरा ते उन्हां दा कोई प्रॉब्लम सी दर्शन जी दी पहला ते मैं कहा सी मैं इस बंदे नू मूँह ते मना करके आना जाके मतलब होता ना किसी कई बार के यार इसको मना करना हमें मैंने नहीं करनी तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था। तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि पाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है। ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा, मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है। तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत, तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात बार बार बात करते हैं, मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है, तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते, तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के, तो कितने लेते हैं, इतने लेते हैं, हाँ इतने लेंगे तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा नहीं, विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे। उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो तो ये फिल्म होगी। शाबाश। तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया, हमें कैनेडा भेज दिया। हाँ, इन पे भी आ रहा हूँ। उन्होंने कैनेडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रहे थे ये, तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था, तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो। ये बोले पैसे दे दो, बोले डाटा दे दो, तो ये बोले पैसे नहीं है, तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा। तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए। दूसरी स्टोरी ये है। तो उसके बाद ये स्पीड आए, फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये आए। वो तो लग भी रहे थे कि उनके पास पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास। तीसरे नंबर पे ये आए, 3-4 बार पैसे खत्म हुए। फिर हमें था कि हमें पर नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना, नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं। फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम, प्लीज हमारे साथ फिल्म कर लो। तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा। तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। बट वी लव यू दर्शन पाजी, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जट एंड जूलियट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरीवाल आए विद ब्लैंक चेक। फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो। फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर। तो एक्चुअली मेरी जो मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। कट्ठे दस दियो, हैंगआउट तो असी किसी नाल नहीं करते, असी दोनों ही इंट्रोवर्ट हैं, बट दैट डजंट मीन वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एंड यू डोंट ऑलवेज हैव टू मतलब टॉक एंड party together to have chemistry. Is cheez to main bilkul hi believe hi nahi karti. It's just something jo sat na si kadi rehearse kita hai, sorry punjabi ta gayi. I can continue in punjabi na. Asi kadi rehearse nahi kita, bas action ho gaya te pata nahi lagda ki it's some sort of magic, some sort of vibration that happens between us. Pata nahi laga kadon nikal gaya, 10 12 saal haran nu pata nahi kithe busy rahe, film ta pehla ban jani chahidi si, बट क्योंकि 1 भी हिट सी, 2 भी हिट सी, ते 3 बननी चाहिए सी, पता नहीं लगा कितने चल गया 10-12 साल, ये बिजी रहे, मैं भी बिजी रहा। तो बट हुण फाइनली मौका मिलया, सारे इकट्ठे हुए दोबारा, वाइट हिल स्पीड रिकॉर्ड ते जगदीप भाजी, नीरू जी, जैसमिन जी, सारे
ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਨਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਮੇ ਚਾਹੇ ਆਪ ਸਕੂਟਰ ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾ ਆਪਕੋ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਟੀ ਸਾ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਨਕਾ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਬਟ ਜਿਤਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਿਤਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਯੇ ਕੋਸਟਿਊਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਮੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਸੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੋ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਘੁੰਮਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇਖਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਆਪ ਲੋਕ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮੈਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 or 2 ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 or 2 ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਗੇ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸਭ ਕੋ I don't know, the film is magical and everybody sitting here, my favorite producer, Sunny ji, Dinesh ji, you know, and Jagdeep, he's such an amazing director. He is fantastic. Yasmin was so full of energy and positivity. Besides the film, I want to say just working with him, especially at this stage, seeing where he's come and what he's doing for us, all of us, we're on this stage because of him. In the world, he's put us up there. So, I mean, thank you. Aaj mainu mauka milya, main keh dindi haan seriously, theek hai to main bahut kar rahi hu. I can't demote, but what he's done for every generation, chote bacche jo bahar aaye, jinhone racism we face kiti hai, mere liye everybody. Matlab main inhe show te gayi si, sorry I'm off topic right now. Jatt Jury 3 dekh le, okay, June 27th. But jo main utthe mehsoos kita, I can't tell you. What feeling it was and seeing him grow I get emotional I should not okay but thank you okay you're a rock star you're our rock star our superstar and we love you mera film aur bhi wajah Neeru Baj mein main mere film da pehla scene Jimmy Sherial aur Neeru ji di film si mel kara de rabba haan ohde vich mera pehla scene si te main pehli vari camera face Neeru ji naal hi kita ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ